आप सभी को सरफराज खान सिक्स किंग में स्वागत है। आज का मैच बाबा ब्लास्टर और बावन डी के बीच मैच हो रहा है, जिसमें बैटिंग करने आए हैं आमिर और बबलू। स्ट्राइक पर रहेंगे आमिर और नॉन स्ट्राइक पर रहेंगे बबलू। सरफराज 11 बाबा ब्लास्टर और सोनू 11 बावन डी। प्लेलिस्ट फेस के साथ डला गया है भाई, फोटो खींच के डलाया है प्लेलिस्ट। हाँ भाई, सरफराज खान है बैटिंग वाले टीम में। और इस मैच को देखने के लिए बड़ी दूर दूर से दर्शक पहुंचे हुए, जो इस मैदान की सबसे बड़ी खूबसूरती है। आप सभी दर्शकों का मैं स्टार क्रिकेट क्लब बलिया कोठी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जो दर्शक बात में आए उनको बताना चाहूंगा, इस प्रतियोगिता का बहुत ही क्रूशियल मैच और फाइनल मैच। बैटिंग पहले बाबा ब्लास्टर, सरफराज 11 बाबा ब्लास्टर पहले बैटिंग कर रही है। बैलेंस टीम जो उस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची है, बाबा ब्लास्टर एकमा की टीम के तरफ से बिहार उत्तर प्रदेश के कई क्रिकेट के सितारे खेल रहे हैं। वही उनका मुकाबला बहुत ही, हाँ भाई, बाहुबली है बैटिंग वाले टीम। क्रिकेट जगत की एक उभरती हुई टेनिस बॉल की ऐसी टीम, जिस टीम ने इस टूर्नामेंट के अंदर प्रत्याशी प्रदर्शन के दम पर आज फाइनल तक पहुंचे। दर्शक देख सकते हैं, गाछ पर भी खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं दर्शक। लगभग 10,000 से कम नहीं है दर्शक, 10,000 से बेसी हो जाएंगे दर्शक। ये मैच 18-18 ओवर का हो रहा है। टूर्नामेंट कमेटी की तरफ से कहा हुआ है कि पावर प्ले जो होगा 5 ओवर का होगा। 20 ओवर का जो टी ट्वेंटी फॉर्मेट का मैच है, वो 18-18 ओवर में खेला जाएगा। 5 ओवर का पावर प्ले होगा। अतिथि कक्ष में बैठे हुए राष्ट्रीय क्रिकेट राष्ट्र के एक बहुत ही अग्रणी के खिलाड़ी, जिनके तरफ से पहली गेंद पर छक्का लगाने वाले खिलाड़ी के लिए 5,000 का पुरस्कार। पहली गेंद पर छक्का लगाने वाले बल्लेबाज को 5,000, उनके लिए भी 5,000 और टिकट भी गिरेगा तो 5,000। पहली गेंद पर छक्का लगाने में 5,000 का पुरस्कार। अलग से बहुत बड़े पुरस्कार की घोषणा होती है। लगातार 3 गेंदों पर हैट्रिक अगर सिक्स के बाद आते हैं, 18-18 ओवर का मैच हो रहा है। आमिर तैयार, फर्स्ट बॉल फेंका जा रहा है फाइनल का। राजा गेंदबाजी कर रहे हैं, मैच का पहले ओवर लेकर के सामने वाली छोर से स्ट्राइक पर आमिर, जो टेनिस बॉल के बहुत ही मान्यता प्राप्त अच्छे बैट्समैन है, राजा के सामने उस समय तैयार है। विकेटकीपर के दाईं तरफ एकमात्र स्लिप के खिलाड़ी है कि गली कर ये ऑफ साइड की फील्डिंग की रचना के साथ गेंदबाजी करते हुए राजा, जो बहुत ही अच्छे बाबा ब्लास्टर के जरिए के बहुत और जो बहुत बड़े पुरस्कार की, क्योंकि आज के फाइनल मैच में 8 पुरस्कारों की बरसात होने वाली है। राष्ट्रीय खिलाड़ी विकास में बैठे हुए हैं, जिन्होंने अपने खेल जीवन के शुरू जोगिया से किए थे और जोगिया से निकल कर जो बिहार के लिए लगातार दो बार भारतीय स्तर पर गोल्ड मेडल गिरवाया था और गोल्ड मेडल की बदौलत आज पुलिस में नौकरी करते हैं। जो बैठे हुए व्हाइट बॉल का सिग्नल आता हुआ और एक अतिरिक्त रन के साथ धक्का खोलता हुआ बाबा ब्लास्टर एकमा का, एक रन बिना किसी नुकसान के बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, क्योंकि दाएं हाथ के गेंदबाज है विकेट कर रहे हैं और दाएं हाथ के बैट्समैन के लिए गेंद पता है डिलीवरी कर करके निकल रही है।
हाँ भाई सरफराज खेल रहे हैं बैटिंग वाले टीम में, अभी बैटिंग करने नहीं आए, फर्स्ट ओवर चल रहा है फाइनल मैच का। आपको बता दें इस फाइनल मैच में विनर टीम को 35,000 और रनर टीम को 21,000 दिया जाएगा प्लस ट्रॉफी। हाँ भाई बाहुबली है बैटिंग वाले टीम में। और बहुत अच्छे ओवर का यहाँ पर सामने से करते हुए राजा, जिनके जूता का थोड़ा सा फीता ढीला हो गया है। मैदान के चारों तरफ दर्शकों की बहुत बड़ी भीड़ है, एक प्रत्याशित भीड़, और इस भीड़ मैदान के चारों तरफ इस सबसे बड़ी खड़ी होती आप सभी। इस ओवर के लगे लगे बाबा ब्लास्टर बैटिंग कर रहे हैं पहले जिसान भैया, बलिया कोटी में मैच हो रहा है। हाँ सर प्राज बाहुबली है, इस बॉल पर छक्का लगता है तो 2500 रूपए का इनाम था। जबरदस्त अपील हो रही है बिहाइंड बिहाइंड की, लेकिन बहुत अच्छे अंपायर है। ओवर की समाप्ति हुई हुई एक ओवर की समाप्ति के बाद दो रनों रन बाबा ब्लास्टर एक बार की टीम जो खिताब की सबसे बड़ा दावेदार है। स्टार क्रिकेट क्लब दलिया कमेटी के तमाम सदस्यों की मैं सराहना कर रहा हूँ उसकी रोच से, क्योंकि लगातार कई वर्षों से बढ़िया कोने के पीछे वक्ति और मैदान में टेनिस बॉल का क्रिकेट का टूर्नामेंट चला चला पूरे कमिश्नरी के एक क्रिकेट जगत को एक नई दिशा देने का बहुत प्रयास किए हैं, और इस प्रयास की खेल मंत्री में उपेंद्र पांडे आप सबकी सराहना करता हूँ, क्योंकि बहुत आसान नहीं है। इस समय मतगणना चल रही है, पूना 11 बाउंड्री की टीम जो टॉस जीत करके पहले क्षेत्र रक्षण करने का फैसला किया, फील्डिंग कर रही है। जान रहे हैं कि लंच के बाद एक बहुत बड़े लक्ष्य का पीछा करना होगा, लेकिन क्रिकेट ठीक कुछ कहा नहीं जा सकता। हमारे इस फाइनल मैच के सबसे मुख्य आकर्षण के केंद्र बिंदु जो आप देख रहे हैं मैदान के बीचों बीच यूट्यूब पर इस मैच का सीधे लाइव प्रसारण चल रहा है, उसमें सारण आरण न्यूज के निपुण सिंह है, सारण आरण तक न्यूज के अमित कुमार सिंह, सरफराज खान सिक्स की टीम उनके तरफ से हेलू भाई डॉक्टर घर बैठे किसी भी डॉक्टर के पास नंबर पर फोन करके आगे संपर्क कर सकते हैं। डॉ भाई के लिए आनंद कुमार दूसरे ओवर की पीछे रखिए ऋतिक जो आया है दूसरे गेंदबाज के लिए सामने वाली छोर से गेंदबाजी के लिए आए हैं। इम्तियाज इम्तियाज बबलो जो बाएं हाथ के गेंदबाज है, छक्का 5,000 रुपया, ये बोल का छक्का 5,000, इस बॉल को छक्का वो 5,000 रुपया। और 6 रन खूबसूरत छक्का बबलू के द्वारा। और इस बॉल पर भी छक्का लगेगा तो 5,000 रुपए का पुरस्कार। बबलू एक छक्का लगाकर 5,000 कमा चुके हैं। और आउट हो गए हैं बबलू।
प्राइज विनर टीम को 35,000, रनर टीम को 21,000 है प्लस ट्रॉफी। हाँ बाहुबली है। ये बॉल को छक्का मारेगा फिर से 5,000 रुपया लीजिए। इस बॉल पे भी छक्का लगेगा तो 5,000 का पुरस्कार। लगातार 3 गेंद पर 3 छक्का 3 बॉल पर पुरस्कार रखा गया जिसमें 1 पुरस्कार बबलू ने जीता है। बैट्समैन के लिए 5,000 रुपया इस बॉल पर छक्का मारेंगे तो। अब बॉलिंग पर तैयारी इंतजार और मिस पेड 4 रन। काफी दूर तक गेंद हवा में कैरी कर रही थी और बाउंड्री के बाद जाते हुए 4 रन के लिए वो इन 4 रन के साथ जो स्कोर बढ़ता हुआ 12 रन। कौन जी शाम भैया? बबलू बैटिंग वाले टीम में है, बॉलिंग कर रहे हैं। इम्तियाज बॉलिंग कर रहे हैं। बाहुबली बाबा ब्लास्टर के टीम में पहले जो बैटिंग करी उसी टीम में है बाहुबली। 30 गज के घेरे के अंदर इस समय 9 खिलाड़ी मौजूद है। मैच का पावर प्ले का दूसरा ओवर। विकास के लिए पुरस्कारों की बरसात करते हुए तीन बच्चे में बैठे हुए हैं और इस बार खेल को ध्यान करके खेला जाते हैं। पावर प्ले है 1-2-3 तक बढ़ाने के बाद पावर बाउंड्री के बाद चल रहे 4 रन के लिए। बहुत ही खूबसूरत चल रहा था क्योंकि जानते हैं कि पावर प्ले चल रहा है। सर्किल के अंदर 9 खिलाड़ी है। 18-18 ओवर का मैच हो रहा है और 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बन रहा हुआ 1 विकेट के नुकसान पर 16 रन। 2 ओवर की समाप्ति पर आप तो ध्यान से सुनेंगे तो सब कुछ पता चल जाएगा। मंत्रणा चल रही है स्टार क्रिकेट क्लब बलिया बरौनी के तत्वाधान में सहारनपुर नगरी का एक सबसे ऐतिहासिक टेनिस बॉल पर खेले जाने वाला प्रतियोगिता जो लगातार कई वर्षों से पूरे बिहार के अंदर क्रिकेट के मानचित्र पर सबसे ज्यादा सुर्खियों में है। इस फाइनल मैच की जो विजेता टीम होगी उसके लिए 35,000 की नगद राशि रखी गई है और उप विजेता टीम के लिए 21,000 रुपए की नगद राशि पुरस्कार के लिए रखी गई है। लगातार कई दिनों से बिहार की कई बड़ी बड़ी क्रिकेट की टीमें इस टूर्नामेंट में खेल रही थी। बॉलर के लिए ये बॉल पर टिकट मिलेगा तो 2500 खालिद नहीं है यहाँ पे भाई। इस गेंद पर टिकट लेते हैं 2500 रुपए। बहुत अच्छी गेंद की बैटिंग पर जाकर के खिलाड़ियों के सारे शॉट में क्रिकेट के क्षेत्र में खेला और भाग करके 1 रन पूरा किया। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर जबकि पावर प्ले का 3रा ओवर प्रगति पर चलता हुआ। इस मैदान की सबसे बड़ी खुशी होती है आप सम्मानित दर्शक छोटे छोटे बच्चे अलग अलग जो बुजुर्ग होते हैं बहुत अच्छी गेंद की और पुरस्कार कर करके लॉफ्टेड शॉट खेलना चाहते थे 6 रन के लिए लेकिन गेंद बैट पर लगी। अगर डीएलडब्ल्यू का मैच होता तो जबरदस्त एलबीडब्ल्यू की अपील होती लेकिन टेनिस बॉल है। एलबीडब्ल्यू को छोड़ करके अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के जितने भी नियम लागू है छक्का मारिएगा 21,000 रुपया। राउंड विकेट जाते हुए ये देखिए राहुल हेलीकॉप्टर खूबसूरत 6 रन 3 बॉल 3 छक्का के लिए 21,000 पुरस्कार है।
स्कोर बढ़ता हुआ एक विकेट के नुकसान पर तेईस रन, जबकि पावर प्ले का भी तीसरा ओवर चल रहा है। बहुत बड़े पुरस्कार की घोषणा हुई है, लेकिन हैट्रिक सिक्स पर 21,000 रुपया देखना है कि पहले बॉल पर छक्का लग चुकी है। फिर से दूसरा छक्का है राहुल के बल्ले से, दो बॉल दो छक्का, और एक छक्का लगाएंगे तो 21,000 का पुरस्कार मिलेगा राहुल को। तीन छक्का पर 21,000 का पुरस्कार है। राहुल गेंदबाजी कर रहे हैं जो टेनिस बॉल के बहुत ही अच्छे, और राजा सामने वाली छोर से लगातार दो गेंदों के दो छक्के लग चुके हैं। और विकास जी का 21,000 रुपया बच गया, बचा नहीं, हम तो राउंड बन कर रहे थे, जिसका दर वो लगेगा। बिल्कुल, मैं पहले बिहार के अंदर पूरे बिहार के अंदर एक शख्सियत को देखा था जो मंच पर होते हैं तो रुपया की बरसात करते हैं, वो भी दो इधर में पहुंचने वाले हैं। मसरत के जीवराज सुधीर कुमार सिंह पूरे बिहार भर के सबसे ज्यादा रन, लेकिन ये संभवतः बाउंड्री के पास कमर के ऊपर से 6 रन के लिए बहुत ही उत्तर गेंद हवा में कैरी कर रही थी, एक मौका था, लेकिन बाउंड्री के बाद गेंद जाकर निकली। ओवर की समाप्ति हुई है, तीन ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 35 रन 1 विकेट के नुकसान का। जो बिल्कुल जो प्लेस का आशीर्वाद हुआ था बाबा ब्लास्टर की ओर से, इस जगह में तीन छक्के नगर भारती छक्के बाबा ब्लास्टर के बल्लेबाजों ने लगाया। अब आगे की तीनों भाई है आपको धन की वाई के आगे आने के हमारे बड़े भाई जो धन की वाई के आगे की टूर्नामेंट के आपके रिटर्न पहुंचाएंगे मैच के, जो इस पूरे टूर्नामेंट में लगातार बने हुए हैं, जो आगे की मैं माइक का मंत्री करूंगा अपने बड़े भाई को धन की वाई जी के। हमारे बड़ी टच में थैंक यू भाई, रॉन स्कोर दिखा रहे हैं तो आपको दिखाते हैं, अंधेरा हो जा रहा है इधर से। मैच बलिया कोठी में हो रहा है भाई, बलिया कोठी। हाँ भाई फिनाले मैच है, बिहार में हो रहा है। और ये देखिए रिवर्स स्वीप 4 रन। हाँ भाई बाहुबली है बैटिंग वाले टीम में, बैटिंग करने नहीं है। और ये देखिए क्लास आमिर का 4 रन। छपरा जिला में हो रहा है भाई। ओ भाई खूबसूरत 6 रन, यही आमिर है जो
लीग मैच में 100 रन बनाए थे अपनी टीम के लिए बाबा ब्लास्टर की तरफ से। हाँ भाई सरफराज बाहुबली है। गेंद गुम हो गया है, इसके वजह से मैच रुका हुआ है थोड़ा सा। फिर से बॉलिंग मार पर तैयार ऋतिक, बैटिंग स्ट्राइक पर है आमिर। चार ओवर की समाप्ति के बाबा ब्लास्टर का स्कोर 50 रन एक विकेट के नुकसान से और आमिर कातिलाना अंदाज से बल्लेबाजी करते हैं और दर्शकों का भरपूर। हेलो दर्शकों का भरपूर मनोरंजन कराते हुए तो आगे का जो फाइनल मैच है आज हमारे कमेंट्री पैनल में उपस्थित बड़े भाई गोरिया कोठी में हो रहा है भाई, बलिया कोठी में मैच हो रहा है जो छपरा जिला में पड़ता है। नमस्कार मैं मुदन तिवारी, आप तमाम खेल प्रेमियों का इस बलिया कोटी के खेल में हाँ भाई बाहुबली है करता हूं। इस समय एक बार फिर चली गेंदबाज अगली गेंद लेकर राइट आर्म राउंड द विकेट और इसी पीछे अगली गेंद को ड्राइव कर दिया और बॉलर की ठीक पीछे की तरफ गेंद जा रही है, गेंद को गैदर करने की कोशिश जरूर की वहां पर गेंदबाज ने गेंद छिड़की उनसे पीछे के खिलाड़ी जो लीड ऑफ पड़ते गेंद को फील्ड कर दिया, रन नहीं मिलेगा। इस समय बावनडी की टीम जो अपने बेहतरीन खेल की बदौलत फाइनल मुकाबले में प्रवेश की है, आज के इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले क्षेत्ररक्षण करने का उन्होंने फैसला किया और अब तक जो बाबा ब्लास्टर की टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है अब तक उन्होंने 50 रन बना लिए हैं और निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि शुरुआत उनकी बेहतर हुई है। एक बार फिर चले गेंदबाज और इस बार थोड़ी सी पटकी हुई गेंद विकेट कीपर के पास आई और स्क्वायर लेग अंपायर ने पहले कहा कि आपने एक के बाउंस दे डाली है और उसका इशारा करते हुए गेंदबाज का नाम प्लीज बता दे। बैटिंग पहले बाबा ब्लास्टर कर रही है अंकित जो इस समय गेंदबाजी करने के लिए चले अगली गेंद लेकर और इस पर तोड़ने के चारों किनारे पर लगते हुए गेंद स्लिप क्षेत्र में और इसके साथ ही पहले बाज आउट तो ये दूसरा नुकसान अभी अभी लगा है इस समय बाबा ब्लास्टर एक्वा की टीम को और इस समय बावनडी के हौसले बुलंद होते हुए। क्योंकि मंच को नुकसान हो सकता है, जितने वजन होने चाहिए कहीं उससे ज्यादा वजन यहाँ पर हो चुका है। और हेलो माय डॉक्टर के जो अजीब गिरी जी है कहीं अगर यहां से मैच देख रहे हैं जहां कहीं भी हो हमारे मंच पर आपके सहयोगियों को ढूंढ रहे हैं आप उनसे संपर्क कर लें। तो इस समय बिट्टू आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए और वही बल्लेबाज है जिन्होंने पिछले मुकाबले में सेमीफाइनल मैच में अपने बल्ले की धार से बिल्कुल कुंद कर दिया था
विपक्षी टीम के गेंदबाजों को और 84 रनों की एक बहुत ही अच्छी पारी खेलने के साथ अपनी टीम को विजय दिलाई थी। एक बार फिर अंकित राइट आर्म राउंड द विकेट और इस बार पीछे हटते हुए गेंद कौन साइड में खेलना चाहते थे लेकिन गेंद सही से टकराती हुई सामने की तरफ लुढ़कती हुई और गेंदबाज स्वयं गेंद को लेकर चल दी अपने बॉलिंग मार्क की तरफ। तो इस समय आप देख सकते हैं कि एक दर्शकों की भारी तादाद के साथ काफी मनमोहक दृश्य पैदा करता होगा यह स्टार क्रिकेट क्लब रामगढ़िया बलिया कोठी का खेल मैदान। इस समय एक बहुत ही खूबसूरत अंदाज में मैच चलता हुआ और इस बार पिस्टल के बाहर परीक्षा लेने का प्रयास गेंद को कट करने की कोशिश की थी बिट्टू ने लेकिन गेंद उनके बल्ले के करीब से होती हुई विकेट कीपर के पास आई। भाई सरफराज का ना बैटिंग करने नहीं आया। हमारे ये अभी अभी मेले नंबर समाप्त हुआ। हमारे स्कोर बता रहे हैं कि आप देख सकते हैं कि इस टूर्नामेंट को सफल बनाने हेतु तमाम आयोजन समिति के साथ साथ दर्शक और इस मंच पर सुशोभित जितने भी क्षेत्र के माननीय लोग हैं मौजूद हैं और जिसमें मैं बता दूं कि जो नाम कागज के पन्नों में निम्नलिखित है मुख्य अतिथि के तौर पर एक नाम सर्वप्रथम में देख रहा हूँ राज सुधीर सिंह जी का और साथ में प्रकाश सिंह वर्षा देवी के जिला पार्षद के पति वो भी मौजूद है। इसके अलावा रामगढ़ पंचायत के वर्तमान मुखिया प्रतिनिधि सत्येंद्र भारती जी मुन्ना शाही जी उर्फ सुभाष भाई जिनको आप जानते हैं एक राजद के युवा नेता। इसके अलावा इस क्षेत्र के जाने माने होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर शंकर भारती जी साथ में राष्ट्रीय एथलीट विकास सिंह जो इस मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं और इनके क्या कहने जिस तरीके से इन्होंने पुरस्कार की घोषणा की इनके तरफ से मैन अतिथि सीरीज में साइकिल भी रखा गया है। साथ में बच्चा सिंह जी अमित सिंह जी भावी मुखिया प्रत्याशी सिंह जी भारती रंजीत भारती पैक्स अध्यक्ष तमाम लोग जो इस मंच की शोभा बढ़ाने हेतु उपस्थित है। इसके अलावा दिलीप शर्मा गौरी शंकर शर्मा जी सतेंद्र पांडे जी भूतपूर्व बलिया पंचायत मुखिया पृथ्वी नाथ शर्मा जी दशरथ प्रसाद जी अनिल प्रसाद जी डॉक्टर सुरेश जी टुनटुन सिंह ये तमाम वो लोग हैं जो मंच की शोभा बना रहे हैं और इस टूर्नामेंट में चार चांद लगा रहे हैं। इसके अलावा स्कोरर हमारे दीपक तिवारी जी और दो 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 और लोगों का मैं नाम लेना चाहूंगा जिन्होंने पूरे टूर्नामेंट में अपनी तरफ से कोशिश की है खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने हेतु। एक है हेलो माई डॉक्टर जो एक ऐप है आप घर बैठे आप किसी भी चिकित्सक को के पास अपना नंबर लगवा सकते हैं। एक बार फिर इस बार घुटनों के बल बैठते हुए गेंद को लॉक करना चाहते थे ऑन साइड में रन नहीं मिलेगा। बिट्टू जी जितने छक्का मारिएगा उतना 500 हैट्रिक मारिएगा तो बनेगा। तो इस समय समय राष्ट्रीय एथलीट विकास सिंह के द्वारा पुरस्कार की घोषणा आप खिलाड़ियों के लिए तो क्या इस समय आमिर जो एक बार फिर तैयार होते हुए बल्ले के साथ क्या कुछ पुरस्कार की जो घोषणा विकास सिंह जी ने किया है उसको प्राप्त करेंगे अगली गेंद लेकर और इस बार टक्कर लेने का प्रयास लेकिन बल्ले के काफी करीब से निकलती हुई गेंद विकेट कीपर के पास आती हुई। जैसे मैं बता रहा था हेलो माय डॉक्टर जो हर एक मैच में मौजूद रहते हैं कि पूरी टीम और उन्होंने पूरा प्रयास किया है। 2500 रुपया छक्का मारिए 2500 रुपया और सिक्स पर 2500 रुपया का नगद इनाम राष्ट्रीय विकास सिंह जी के द्वारा आता होगा। चले गेंद बाद अगली गेंद लेकर एक लंबा उच्च प्रहार गेंद सीधे हवाई मार्ग से प्रस्थान करती हुई चरण के रूप में राष्ट्रीय एथलीट विकास सिंह जी के द्वारा 2500 रुपए का नगद इनाम से नवाजा जाएगा आमिर को। और कोई भी हेलो हेलो विकेट 2500 इन गेंदबाज का नाम बता दें। ये बॉल पर बॉलर विकेट लीजिएगा 2500 रुपया तो इस समय 2500 का नगद इनाम गेंदबाज के लिए गेंद पर जाएगा। अच्छी गेंद आमिर बहुत ही चपल बल्लेबाज है गेंद पर अंतिम जमे तक नजरें बनाए रखते हैं और गेंद अगर उनको लगे कि मैं इस गेंद को हिट कर सकता हूँ कर सकता हूँ ड्राइव कर सकता हूँ या पुल या हुक कोई भी शॉट लगा सकता हूँ तभी जाकर प्रहार करते हैं। एक परफेक्ट बल्लेबाज की पहचान आमिर। बॉलर के लिए 5000 रुपया ये बॉल पर विकेट 5000 रुपया का नगद इनाम गेंदबाज के लिए। चले अगली गेंद लेकर
और इस बार घुटनों का पल बैठते हुए एक बार फिर गेंद को खेलने का प्रयास, लेकिन गेंद विकेट कीपर के पास आती हुई। 11,000 रुपया बॉलर के लिए। अब गेंदबाज के लिए 11,000 रुपये का इनाम यहां पर घोषणा किया है विकास सिंह ने, तो निश्चित तौर पर खिलाड़ियों के पास मौके पर्याप्त है। देखना होगा इस मौके को भुना पाते हैं या नहीं। अगली गेंद लेकर चले। बहुत अच्छी गेंद, पूरा सम्मान दिया प्रयास, और आंखों में आगे इशारा करते हुए दोनों बल्लेबाज ने चपलता के साथ एक सिंगल की प्राप्ति की। इस सिंगल के साथ ही कुल स्कोर 57 रन 6 ओवर की समाप्ति के बाद 2 विकेट के नुकसान पर। तो इस समय एक शुरुआत भी बेहतर मैं कह सकता हूं बाबा ब्लास्टर की तरफ से, और 6 ओवर में 57 रन बने हैं और 2 विकेट अगर 52 की टीम ने प्राप्त कर लिए हैं तो उनकी भी स्थिति में बेहतर करूंगा। दोनों टीमें इस समय जूझती हुई आपस में कोशिश की होम सिटी में चमचमाती हुई ट्रॉफी पर कब्जा करें, और मेरे नजर से पूछा जाए तो इस मैच में कोई प्रबल नहीं है, प्रबल वही है जो बेहतर खेल खेलेगा। दोनों टीमें एक बेहतरीन टीम और एक बार इस बार के तो कर दिया दो खिलाड़ियों के बीच चले के बेहतरीन चंद्रचरण रन का मौका हो सकता है, लेकिन भरोसा ही नहीं था और इससे पूरा फायदा उठाया बल्लेबाज आमिर ने और सुरक्षित पहुंच चुके हैं अपने पॉपिंग क्रीज में। तो जिन्होंने छक्का मारेगा उनका 500 हुआ। एक बार पिक पिक चले चले राइट आर्म राउंड द विकेट बिट्टू के लिए, और इस बार गेंद को उछालकर खेलने का प्रयास। गेंद बाईस मिड विकेट क्षेत्र में जा रही है और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता है एक सिंगल लेने का अवसर। इस समय एक बेहतरीन मंच आप देख सकते हैं, दर्शकों की भारी तादाद इतने लोग लाइव में जुड़े हैं और लाइव को शेयर एक एक शेयर कर दे और यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब कर ले। सरफराज खान फाइनल मुकाबले के तौर पर एक बार फिर अगली गेंद लेकर चले, और इस बार गेंद को खेल दिया पॉइंट क्षेत्र में, फील्डर की तरफ जा रहे लेकिन गेंद को रोक नहीं पाएंगे और गेंद एक टप्पे के बाद पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के रूप में। अगर कोई भी दर्शक कैच पकड़ता है तो हेलो माइनर क्लब की तरफ से 100 रुपया का नगद इनाम जाएगा। इसी में चक्री गेंद और गेंद पॉइंट बाउंड्री लाइन के ऊपर तक खेल दिया लंबा ऊंचा प्राच रन। पुरस्कार की घोषणा, खिलाड़ियों के लिए पुरस्कार की घोषणा, और निश्चित तौर पर एक उत्साहवर्धन का कार्य करते हुए तमाम लोग एक पुरस्कार और है, मैं इस गेंद के बाद बताऊंगा। अगली गेंद इसी बीच अगली गेंद करने का प्रयास है बल्ले के काफी करीब एक एक शेयर कर दीजिए भाई लोग, इतने लोग लाइव में जुड़े हैं। ये बेस्ट बल्लेबाज और बेस्ट गेंदबाज के लिए एसटीएस कंप्यूटर सेंटर चैनपुर की तरफ से भी 2 ट्रॉफियां रखी गई है। तो इस समय ग्राउंड से चारों तरफ राउंड लगाते हुए ये विजेता की टीम बाहुबली है भाई, वो विजेता की टीम साथ ही साथ बैटिंग करने नहीं आए। स्टार क्रिकेट क्लब के संचालक प्रदीप कुमार और आज के हमारे मुख्य अतिथि पूर्व जिला परिषद वर्षा देवी जी के पति प्रकाश सिंह जी, बैटिंग करने नहीं आए एथलेटिक्स विकास सिंह जी। ग्राउंड के चारों तरफ इस समय दर्शकों से ट्रॉफी का रूबरू कराते हुए और स्टार क्रिकेट क्लब के संचालक प्रदीप कुमार और बलिया के तमाम युवा अरविंद कुमार दीपक बाबा और साथ ही सहयोगी इस समय ग्राउंड के चारों तरफ। और आप सभी दर्शकों के लिए मैं बता दूं कि यहाँ पे जो कश्ती छोड़ने का मौका मिला है उसका सारा का सारा श्रेय जाता है बलिया के स्टार क्रिकेट क्लब परिवार के संचालक प्रदीप कुमार और उनके साथ ही सहयोगी। और इसी बीच अगली गेंद और गेंद को एक बार फिर हमारे पास से प्रस्थान कराने पर क्या खूबसूरत छक्का बिट्टू के द्वारा।
स्कोर 75 रन। एक बार फिर चले अगली गेंद लेकर और इस बार फिर गेंद को खेलने का प्रयास। गेंद को फिर कर लिया जाएगा उत्तम के द्वारा, रन नहीं मिलेगा। तो इस समय जो ये ट्रॉफियां रखी गई है विजेता और विजेता की, इस समय परिक्रमा करती हुई मैदान के चारों दिशाओं में दर्शकों से रूबरू करवाया जाता हुआ काफी नजदीक से। इस समय तमाम हमारे क्षेत्र के जाने माने शख्सियत जो भी मंच की शोभा बढ़ा रहे थे ट्रॉफी के साथ साथ चलते हुए मेंबर आज के हमारे मुख्य अतिथि पूर्व जिला परिषद वर्षा देवी जी के पति प्रकाश सिंह जी, राष्ट्रीय और साथ ही साथ परिवार के चार और उनके साथी सहयोगी अरविंद कुमार, अमन तिवारी, टीकू, विकास गुप्ता, भोला कुमार, राजकिशोर, अनिल प्रसाद, यश राज, देसी चल रहा है फाइनल मुकाबले का अपन दिखा रहे उसका सारा का सारा श्रेय जाता है स्टार क्रिकेट क्लब परिवार के संचालक प्रदीप कुमार और उनके साथ ही युवा सहयोगी का। इसी बीच अगली गेंद पर एक चौका भी पिछली गेंद पर लगा था और एक बार फिर इस बार फिर गेंद स्विंग करती हुई बाएं हाथ के बल्लेबाज को छोटी हुई गेंद विकेटकीपर के दस्तानों में जाती हुई डॉट। ए भाई विनर को 35,000 रनर को 21,000 है प्लस ट्रॉफी। इस समय आप देख सकते हैं इस फाइनल मुकाबले हेतु रखी गई ट्रॉफिया चारों दिशाओं का भ्रमण करते हुए एक बार फिर हमारे मंच की तरफ आती हुई और इस समय बल्लेबाज जो पिछले मैच के मैन ऑफ दिस मैच है इस समय एक बार फिर तैयार होते हुए अगली गेंद का सामना करने के लिए। इसी बीच चले गेंदबाज अगली गेंद लेकर जो ट्रॉफियां रखी गई है चारों दिशाओं का भ्रमण करते हुए पति हमारे मंच की शोभा बढ़ाने हेतु अपनी उपस्थिति दर्ज करवाती हुई और निश्चित तौर पर एक भव्य टूर्नामेंट का ये अंतिम मुकाबला फाइनल मुकाबला इस समय चलता हुआ और 8 ओवर की समाप्ति पर कुल स्कोर है 91 रन। और मैं अब आगे कांखों लेकर अपने शांति रूपेश भारती जी को सौंपूंगा लेकिन इससे पूर्व मैं बता दूं इस क्षेत्र के एक बहुत ही चर्चित खिलाड़ी इस क्षेत्र के जाने माने हर दिलों के धड़कन और हर दिलों के हर हर इंसान के दिलों में बसने वाले इस क्षेत्र के नामी ऑलराउंडर जिन्होंने अब खेल को खत्म कर दिया है पप्पू महिपाल हमारे मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं। पारी खेली थी और दूसरे छोर पे जो है बिट्टू जो इससे पहले सेमीफाइनल मुकाबले के मेहनत मैच का 84 पारी। तो इस समय जी आमिर 118 और उनके साथी जो सहयोगी थे वो भी शतक लगा करके 129 रन की तबातोड़ पारी खेली थी। तो ये बहुत ही 16 ओवर में 304 रनों का जो पहाड़ जैसा स्कोर देखने को मिला था वो वही टीम बलिया कोठी में मैच हो रहा है भाई। और एक बार फिर से बहुत ही अच्छा तरीके से गेंद को खेलना चाहते थे बंटी। इस समय गेंदबाजी का
कमान अपने कंधे पे संभालते हुए और उनकी ये गेंद बहुत जबरदस्त बल्लेबाज को छकाई। गेंद पर बल्ले का कोई संपर्क नहीं पाएगा विकेट के पीछे, विकेट कीपर पूरा कर दिया। इस समय में एक बार फिर से ये पटकी हुई गेंद थी और फिर से काफी बाहर और हमारे अंपायर को दोनों हाथ फैला करके वाइड देने में कोई ऐतराज नहीं हुआ। एक अतिरिक्त रनों के साथ इस समय एक और रनों का इजाफा होता हुआ स्कोर में। तो आपको बता दें जो मैच आप देख रहे हैं बलिया कोठी के ग्राउंड पे इसके हाथ में बहुत ही जबरदस्त कैच स्लिप में चमा बैठे और आमिर इस समय वापस पर लड़ते हुए जो इससे पहले मैच का जो ग्राउंड पे उपस्थित हो रहे हैं वो इस टीम के बाहुबली सरफराज सिक्सर्स की जो टेनिस के स्टार खिलाड़ी यूपी बिहार के टेनिस का स्टार प्लेयर बाहुबली सरफराज का आगमन होता हुआ इस समय ग्राउंड्स में और दर्शकों में काफी उत्साह की माहौल। तो यहाँ पे एक बहुत ही जबरदस्त मुकाबला इस समय बंटी जो गेंदबाजी के परिवर्तन के तौर पे आए थे एक सफलता अर्जित कर चुके हैं अपने लिए और अपने टीम के लिए। बैटिंग सरफराज का और सामने सरफराज गेंद पर राइट किया है गेंद के पीछे खिलाड़ी मौजूद जब तक गेंद को फील्ड करते दोनों ही बल्लेबाज के पास पर्याप्त मौका अपना छोर बदलने का और इसी सिंगल के साथ एक और रनों का इजाफा होता हुआ टीम का स्कोर जा पहुंचा 93 रन 3 विकेट के नुकसान पे। तो हमारे मंच पे काफी भीड़ एक से बढ़कर एक दिग्गज और मुख्य अतिथि विराजमान मैं सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। और हमारे मंच पे सिसुआ ब्लॉक के अकाउंटेंट पवन ठाकुर वो भी उपस्थित हो चुके हैं। तो इस समय सभी मुख्य अतिथि का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और आज का जो मुख्य अतिथि है युवराज सुधीर सिंह उनका भी प्रहार उतना ही बेहतरीन प्रयास फील्डर द्वारा लेकिन गेंद हाथ से छिटकी और सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए बाहुबली सरफराज के बल्ले से निकलने वाला पहला चौका। जी बिट्टू इस समय स्ट्राइक से बिट्टू है चल के बाहुबली युवराज सुधीर सिंह उनका भी आगमन होना बाकी और एक अतिरिक्त रन व्हाइट के रूप में आता हुआ इसी सिंगल के साथ और रन का इजाफा स्कोर का पहुंचा 98 रन 3 विकेट के नुकसान पे। तो बलिया कोठी का ये ग्राउंड खचा खच दर्शकों से भरा हुआ ग्राउंड से बाहर भी दर्शक रोड से इस मैच का आनंद उठाते हुए सामने पानी टंकी और बिट्टू एक बार फिर से गेंद को खेला है खिलाड़ी वहां पे मौजूद गेंद को फील्ड किया बगैर किसी रखी है आप सभी दर्शकों को बता दे सामने पानी टंकी पे दर्शक चढ़कर इस मैच का आनंद उठाते हुए सामने ट्रॉली के ऊपर हालांकि वहां खतरा हो सकता है आप सभी दर्शक अपनी सुरक्षा स्वयं करें और मंच पे काफी जो भीड़ है अतिरिक्त जो दर्शक है और एक इनामी तौर का जो घोषणा हमारे प्रकाश सिंह जी की ओर से आता हुआ 6 गेंदों पे 6 छक्के लगाते हैं बाहुबली सरफराज 51,000 रुपए की नगद राशि और हैट्रिक छक्के लगाने में कामयाब होते हैं तो 21,000 का इनामी राशि वे जाएगा। पूर्व जिला परिषद वर्षा देवी के पति प्रकाश सिंह की ओर से बॉलिंग करने आए ऋतिक गेंद को ड्राइव किया है लॉन्ग ऑफ की दिशा में जब तक गेंद को खिलाड़ी फील्ड करते दोनों ही बल्लेबाज के पास मौका अपना छोर बदलने का और एक और सिग्नल के साथ स्कोर में एक और रनों का इजाफा होता हुआ टीम का स्कोर जा पहुंचा
99 रन 3 विकेट के नुकसान पे। पुरस्कार था मिल अपना छोर सा भाले हुए हैं और वैसे ही करारा प्रहार और दर्शकों का भरपूर मनोरंजन कराते हुए पिंटू इस समय ग्राउंड से उपस्थित। नीलेश इस समय गेंदबाजी करते हुए और एक बार फिर से बिट्टू के लिए ओ बहुत बढ़िया गेंद थी, सम्मान दिया, हल्के हाथों से खेला। हालांकि जब तक लॉन्ग ऑफ से खिलाड़ी आकर के गेंद को फील्ड करते हैं, दोनों ही बल्लेबाज के पास पर्याप्त मौका अपना छोर बदलने का। अब स्ट्राइक पे जो है बाहुबली सरफराज सिक्सर के और तीन छक्के पे 21,000 का इनामी राशि कंटिन्यू। इस समय वर्षा देवी पूर्व जिला परिषद जिनके पति प्रकाश सिंह जी की ओर से एक मां भागे। गेंद को उछालना चाहते थे, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, बाकी का काम विकेट के पीछे विकेट कीपर बखूबी से पूरा करते हुए और गेंद को वापस गेंदबाज के पास इस समय पहुंचाते हुए साथी खिलाड़ी। हाँ भाई बिहार में मैच हो रहा है तो दर्शकों को काफी उम्मीद। और बहुत अच्छी गेंद, सीधे पैरों पे टकराई और किसी तरीके का कोई मौका नहीं सरफराज के पास। तो अभी भी बता दे टीम का स्कोर 106 रन 3 विकेट के नुकसान पे है, जबकि पारी का 10वां ओवर चलता हुआ लगभग 10 रन प्रति ओवर बाबा ब्लास्टर के टीम रन बनाते हुए इस समय। एक और बढ़िया उल्टा हुई गेंद थी, सरफराज ने हल्के हाथों से गेंद को खेला, जब तक खिलाड़ी गेंद को फील्ड करते हैं किसी भी स्कोर करके एक रन पूरा करते हुए बाहुबली सरफराज। इस समय पापा प्लास्टर का स्कोर 10 ओवरों की समाप्ति पे 107 रन 3 विकेट के नुकसान पे। नहीं भाई नुमान नहीं है, जो पहले टॉस जीत करके गेंदबाजी करने का फैसला लिया था मुन्ना 11 पावंडी के कैप्टन पुनीत तिवारी ने, कुछ हद तक इनके गेंदबाज कामयाब हुए हैं बल्लेबाज को रोकने में और एक के बाद एक तीन सफलता भी अर्जित कर चुके हैं ये बाबा ब्लास्टर जो काफी घातक बल्लेबाजी करती है। पिछले 16 ओवर पिछले मैच में लक्ष्य को खड़ा किया था, वैसे बल्लेबाजों को बांध के और रोक रखा है मुन्ना 11 की टीम। संभवतः किसी दर्शक ने कैच पकड़ा है तो वो आकर के अपना नाम दर्ज ये देखिए 6 रन, ये दूसरा छक्का लगता हुआ बाहुबली सरफराज। अतिरिक्त दर्शकों के और एक छक्का लगेगा तो 21,000 का पुरस्कार मिलेगा सरफराज बाहुबली को। 21,000 का नगद राशि प्रकाश सिंह जी की ओर से जाएगा। और के छक्का 6 रनों के लिए और 21,000 का पुरस्कार मिलता हुआ सरफराज बाहुबली को। और इस तरीके से 51,000 का नगद पुरस्कार, 21,000 का हैट्रिक पर 21,000 का नगद पुरस्कार था।
जो हमारे तीन छक्का पे मंच के पीछे 21 हजार का पुरस्कार था वो सरफराज बाहुबली को मिला है। मंच के ऊपर जो तीन गेंद तीन छक्का लगाए 21 हजार का पुरस्कार। अब फिर से तैयार हैं सरफराज खान और एक बार फिर से छह बॉल छह छक्का लगाने पर 51 हजार का भी पुरस्कार है। यहाँ पे हैट्रिक कंप्लीट होता हुआ बाहुबली सरफराज का और 21 हजार का नगद पुरस्कार हो जाएगा प्रकाश सिंह की ओर से। और इसी छक्के के साथ स्कोर क्या पहुंचा 131 रन तीन विकेट के नुकसान पे। एक बार फिर से और गेंद गौशाला है गेंद के नीचे खिलाड़ी आते हुए और आउट हो गए सरफराज खान। लगातार चार छक्का लगाकर महत्वपूर्ण सफलता इस समय पावंडी मुंडा इलेवन को मिलता हुआ। चौथे विकेट के रूप में आप आपको बता दें कि इस ग्राउंड में उपस्थित ये जो दर्शक दर्शकों का हो जो मीडिया कर्मी तीन तीन यूट्यूबर जो गांव वीआईपी आपके बलिया का ये लाइव प्रसारण कर रहा है, दूसरा राकेश बाबा एंटरटेनमेंट पे, तीसरा जो है बाहुबली सरफराज सिक्सर की, तो जो दर्शक यहाँ ग्राउंड पे उपस्थित नहीं हो सके हैं वो लाइव जाकर के इस मैच का प्रसारण देख सकते हैं। और यहाँ पे जो उपस्थित होने का हम सभी को मौका मिला है उसका सारा का सारा श्रेय जाता है स्टार क्रिकेट क्लब परिवार की संचालक प्रदीप कुमार और उनके साथी सहयोगी अरविंद कुमार, अमन कुमार, टिंकू, विकास, भोला, राजकिशोर, अनिल और तमाम बलिया के युवा साथी सहयोगी। और गेंदबाजी संभवतः राकेश तो बल्लेबाज बंटी राकेश बैटिंग करने आए हैं विवेक गब्बर। विवेक नए बल्लेबाज आए हैं बाहुबली सरफराज के आउट होने के बाद। और एक बार फिर से हल्के हाथों से गेंद को खेल दिया है लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र से जब तक खिलाड़ी गेंद को फील्ड करते इसी रिस्टोर करके एक रन लेते हुए और अपने टीम का स्कोर में और रनों का इजाफा इसी सिंगल के साथ 132 रन चार विकेट के नुकसान से। बलिया कोठी में मैच हो रहा है भाई इस समय बाबा ब्लास्टर 11 ओवर की समाप्ति पे 132 रन चार विकेट के नुकसान पे। पारी का 7 ओवर शेष आने बाकी ये मैच 18 ओवरों का कर दिया गया है जो 20 ओवरों का होना था काफी विलंब के वजह से ये मैच को 18 ओवर का किया गया है। इस समय स्टार क्रिकेट क्लब के संचालक प्रदीप कुमार, अरविंद कुमार, अमन कुमार ग्राउंड के चारों ओर विजिट करते हुए और दर्शकों और खिलाड़ियों को किसी तरीके का कोई परेशानी ना हो उसको देखते हुए और एक बार रिवर्स करके खेला है गेंद जा रही है बहुत लंबा छह रनों के लिए। जो भोजपुरी कमेंट करेंगे आनंद मोहन की आवाज में अंकज बाबा वो हमारे कमेंट्री पैनल में आए या मंच के सामने आए पंकज बाबा और अर्जुन गिरी ये दोनों आदमी आए पंकज बाबा का कमेंट पैनल में आए बैटिंग कर रहे हैं क्योंकि आपको भोजपुरी कमेंट्री
करनी है। और एक बार फिर से बिट्टू के लिए ये गेंद बहुत ही रक्षात्मक तरीके से गेंद को खेला, सिंगल लेना चाहते थे और वहां पे फील्डर्स काफी मुस्तैदी से तैनात और किसी भी तरीके रन का संभावनाओं को खत्म किया। तो बिट्टू एक छोर संभाले हुए हैं अभी और अपने टीम का और अपना पारी को आगे बढ़ाते हुए इस समय स्ट्राइक पे बिट्टू बिना टीम को 35,000 रहते हैं। गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए उनका प्रत्येक छक्के पर 500 का पुरस्कार है। और हमारे जितने भी मीडिया कर्मी हैं, यूट्यूबर्स भाई हैं और दर्शकों से मैं एक बार पूछना चाहूंगा, क्या शहीद रघुनाथपुर के अपेक्षा और बिट्टू का हर एक छक्के में 500 रुपया मिलेगा? छक्का निकलता हुआ इस समय 100 ओवर में 2 बॉल का छक्का, तो क्या रघुनाथपुर शहीद के मात्र 4 रन दूर बिट्टू जो सेमीफाइनल मुकाबले में 84 रन की नमाज पारी शुरू करके मैन ऑफ द मैच पुरस्कार अर्जित किए थे। इस समय एक बार फिर से गेंद को आगे बढ़कर ड्राइव करना चाहते थे, गेंद बल्ले का कोई संपर्क नहीं, बाकी का काम विकेट के पीछे विकेट की परवाह खूबी से पूरा करते हुए। तो 12 ओवरों की समाप्ति पे 12 ओवर की समाप्ति पे युवराज सुधीर सिंह जी 5 मिनट में आपके बीच आप सब के समक्ष उपस्थित होंगे। तो युवराज सुधीर सिंह का आगमन होना 5 मिनट के अंदर सुनिश्चित किया गया है। तो अभी भी हमारे इस टूर्नामेंट के संचालक प्रदीप कुमार इस बात को पुष्टि करते हुए कंफर्म करते हुए कि और जितने भी दर्शक हैं ये हमारे मंच के पीछे रास्ते को खाली कर दे ताकि हमारे मुख्य अतिथि को आने पे किसी तरीके की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े और रास्ते में जो भी गाड़ी वगैरह है वो भी साइड कर देंगे। तो इस समय ये जोरदार मुकाबला चलता हुआ और आगे की आपको देखा भाई लाइव को एक एक शेयर कर दीजिए, लाइव को जितने लोग जुड़े हैं लाइव को शेयर कर दे और फेस यूट्यूब में जाकर सब्सक्राइब कर लें। सरफराज खान से बाबा ब्लास्टर का स्कोर 151 रन 4 विकेट के नुकसान पे, पारी का 6 ओवर आना अभी भी शेष बाकी। तो आंखों का आंखों देखा हाल अपने आवाज में बुद्धन तिवारी जी तो इस समय 12 ओवर की समाप्ति पर कुल स्कोर है 151 रन यानी 16-16 ओवर का शायद मुकाबला है और माफ कीजिएगा 18-18 ओवरों का ये मुकाबला है। तो अभी भी यहाँ से 36 गेंदों का खेल शेष है। तो उम्मीद मैं करता हूँ कि बचे हुए 36 गेंदों में जिस तरीके की टेनिस बॉल और लंबे लंबे बल्ले से कम से कम 80 रन यहाँ से और बन सकते हैं। बाबा ब्लास्टर निकमा जो कि इस टूर्नामेंट में फाइनल में प्रवेश की है और ये तीसरी मर्तबा है जब उनके टीम में इस टूर्नामेंट में फाइनल मुकाबले में खेल रही है। इसी भी चलिए और इस बारी पर छक्का लगाने का प्रयास और ये तो जब तक फील्ड किया जाता तब तक एक सिंगल बनता हुआ, इस सिंगल के साथ ये स्कोर बढ़ के कुल 152 रनों पर जा पहुंचा कुल स्कोर। तो एक बेहतर शुरुआत के साथ साथ लगातार सभी बल्लेबाज जो का एक मिला जुला प्रयास है और निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि बड़ी ही दिलेरी के साथ मुस्तैदी के साथ और बड़ी ही संभल कर और साथ में आक्रामकता का एक समावेश करते हुए एक बेहतरीन खेल दिखाते हुए सभी बल्लेबाज बाबा ब्लास्टर के 50 के आसपास है बिट्टू। और इस बार कहीं ना कहीं अनुमान में बल्ला चलाया था, गेंद क्रॉस का लाइन कोण बनाकर बाहर से सीधी आती हुई गेंद और उस पर बल्ला चलाया था, बॉलर को सर के ऊपर से उछाल कर खेलने का प्रयास किया था लेकिन गेंद बल्ले के करीब सिर्फ के पास। और मैं आपको बता दूं खास करके बिट्टू को जो पिछले मैच के अर्ध शतक
वीर है इस मैच में भी सिर्फ चार रन पीछे अपने अर्धशतक को मुकम्मल करने हैं तो चालीस रन बना के खेल रहे हैं। चले अगली गेंद लेकर इस समय दर्शक तालियों की गड़गड़ाहट के साथ बिट्टू की छत अच्छी बल्लेबाजी की इस अर्धशतकीय पारी की सराहना करते हुए और निश्चित तौर पर बिट्टू ने अपने बल्ले की धमक से पूरी तरीके से छाप छोड़ा है इस बलिया कोटी के खेल मैदान में। एक चोर को संभाल कर जिस रफ्तार में लगातार बल्लेबाजी कर रहे हैं, मैं तमाम भाई साहब से गुजारिश करूंगा स्टेज के पीछे जो लोग खड़े हैं गाड़ी लगाए हुए हैं भाई बाहुबली आउट हो गए, तीन छक्का लगाए थे, 21,000 का पुरस्कार जीते थे, हमारे माननीय लोग आ रहे हैं, चार बॉल चार छक्का लगाए थे, उनको आने में कोई दिक्कत ना हो तो आपसे हमारा विनम्र विनती आग्रह गुजारिश निवेदन है कि आप लोग दर्शक बहुत है, देख सकते रोड पे भी खड़े हैं उधर दर्शक स्टेज के ठीक सामने और पीछे की तरफ जो भी व्यक्ति खेल प्रेमी अपने बाइक या जो भी गाड़ी लगाए हैं कृपया उसको वहां से हटा दें क्योंकि युवराज सुदीप जी इस समय हमारे मंच की शोभा बढ़ाने हेतु अब यहां पर उपस्थित होने वाले हैं। कुल स्कोर बढ़ के अमन तिवारी हमारे स्कोर 165 रन और इसी बीच अगली गेंद क्या शॉट है, एक लंबा ऊंचा प्रहार बॉलर के सर के ऊपर से ठीक सामने एक ऊंचा प्रहार छेद तो इस समय आप सभी दर्शकों के लिए बता दो युवराज सुधीर सिंह युवा दिलों के धड़कन युवाओं पर राज करने वाले युवराज सुधीर सिंह का आगमन होना सुनिश्चित गेट तक पहुंच चुके हैं, चंद मिनटों में इस ग्राउंड पर उपस्थित होंगे युवराज सुधीर सिंह और इसी बीच अगली गेंद को कट कर दिया है और फील्डर क्षेत्र में मौजूद है लेकिन वो पहुंच नहीं पाएंगे और पहुंचे भी तो गेंद को छकाती हुई एक बार फिर से दिशा वही टर्नमेंट बाउंड्री लाइन के बाहर एक और चौका बिट्टू के बल्ले से निकलता हुआ। इस समय बिट्टू का बल्ला गतिलाना अंदाजा और बल्ले से आग उगलता हुआ इस समय बिट्टू हुए छोर संभाले हुए हैं और पारी को इस समय काफी तेज ही गति से रन अपने लिए और अपने टीम के लिए जोड़ते हुए इस समय बिट्टू तेरे में की समाप्ति के 172 रन चार विकेट के नुकसान से और आप सभी को मैं बता दूं कि इस जो बलिया के ऐतिहासिक खेल मैदान पे हम सभी को जो उपस्थित होने का मौका मिला है उसका सारा श्रेय जाता है स्टार क्रिकेट क्लब के संचालक प्रदीप कुमार और उनके साथी सहयोगी अरविंद कुमार अमन कुमार विकास भोला राजकिशोर शाह जीतू अनिल यशराज और परदेशी कुमार तिवारी और अन्य साथी सहयोगी जिनके जिसका फाइनल मुकाबला आप लोग यहाँ इस बलिया के खूबसूरत ग्राउंड से देख रहे हैं और सुन रहे हैं इसके लिए प्रदीप कुमार और स्टार क्रिकेट क्लब परिवार को हार्दिक अभिनंदन और स्वागत तहे दिल से धन्यवाद। और इस बीच अगली गेंद पर फिर से शॉट शॉट लगाने का प्रयास बल्ले की पारी स्वयं पर जाती हुई गेंद क्लिप चार को निकालती हुई एक बार फिर तक चार हाँ भाई सरफराज बाहुबली आउट हो गए चार बॉल चार छक्का लगाए थे हमारे सिंगल भी दो चार सिंगल लगाए थे भोजपुरी कमेंट्री आप लोगों के समक्ष आनंद मोहन की आवाज तक पहुंचाएंगे वो है आप सबों के चहेता इस क्षेत्र के ऑलराउंडर खिलाड़ी पंकज बाबा। ये देखिए छह रन गब्बर के बल्ला से एसआर कप के हीरो हैं गब्बर जो एसआर कप में बहुत शानदार बैटिंग किए थे बॉलिंग भी करते हैं शायद गब्बर। हाँ भाई 21,000
हेलो बहुत बढ़िया गेंद पीछे से निकल गए तीबत गेंदा का पकड़ वाइट बॉल खेल बहुत बढ़िया गेंदबाजी करे राजा आ सामने वाले बैट्समैन विवेक दोहनी खेलने पर रूम से बड़ा बढ़िया बढ़िया बॉल में छाका मार करे भाई विनर टीम को 21,000 35,000 और रनर टीम को 21,000 प्लस ट्रॉफी 35,000 विनर है भाई। भाई सरप्राइज बाहुबली है। हाँ फर्स्ट इनिंग चल रहा है। बहुत बढ़िया बहुत छोड़े खेल लगे जगह न होके कारण गाछ पर चढ़ के पुलिस के कारण लगे बाबू हमारे आपस सुरक्षा फूल पैदा के काम बहुत ज्यादा ओवरलोड न हो बलिया कोठी में मैच हो रहा है भाई। अभी अभी हमारे इस टूर्नामेंट के संचालक प्रदीप कुमार जी सूचित किए हैं कि मसरख की धरती से चल के बलिया कोठी के इस ग्राउंड तक उपस्थित होने के लिए युवराज सुधीर सिंह जी का आगमन होने जा रहा है। चंद मिनटों में युवराज सुधीर सिंह आप लोगों के बीच उपस्थित होंगे। उनका जब कंटिन्यू बहुत
और मंच के पीछे जो अतिरिक्त दर्शक है वो मंच को खाली कर दे। हाँ भाई, पांच चक्का लगाए थे, चार चक्का लगातार लगाए थे और एक पहले ही लगाए थे। और क्या 21,000 का जो इनामी राशि था वो प्रकाश सिंह जी एकमा भागे के पूर्व जिला परिषद वर्षा देवी के पति प्रकाश सिंह जी, तो उनसे आकर के अपना वो भगत पुरस्कार प्राप्त करेंगे। बाहुबली सरफराज और थोड़ा सा पुरस्कार का जो दौर है खामोश, एकमात्र पुरस्कार हेलो माय डॉक्टर की तरफ से दर्शकों के लिए इस समय कंटिन्यू जारी। और एक बार करा प्रहार के अगर ये कैच करते दर्शक, हालांकि एक टप्पे के बाद गेंद गई थी सीमा रेखा के बाहर चार रनों के लिए। भाई अंकित कल किया है टीम बैटिंग वाले टीम में के बल्ले से और टीम का स्कोर जा पहुंचा 113 रन चार विकेट के नुकसान से। बिट्टू अपना एक छोर संभाल कर 213 जी माफ कीजिएगा 200 का बहुत बढ़िया खेल हुआ सीधे फील्डर के हाथ में खेल दिया बिल्डर बाकी बाउंड्री की तरफ से बॉलर आया 213 रन हुआ है भाई टोटल स्कोर। धन्यवाद मेरे सीनियर कमेंटेटर बुद्धन भैया, रुपेश भैया, बाबा जी, सारे लोग उपस्थित, सारे लोग को मेरा तरफ से प्रणाम। जो भी जनता जनार्दन आया है हर कोई को मेरा तरफ से प्रणाम, हार्दिक शुभकामनाएं। और सबसे बड़ा दिन होता है करने हमने का भोजपुरी में वो शब्द कहल बा करे से राहुल भारी हो जो कि प्रदीप कुमार इस सारे टूर्नामेंट के जो कि दूल्हे कहे जाएंगे जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। सबसे बड़ा देन प्रदीप भाई को जाता है, इतना बड़ा टूर्नामेंट हमें लगता है क्षेत्र में प्रदीप कुमार के तौर से आता है। अगर मेरी बात से आप सहमत है तो सारे पब्लिक एक बार ताली बजा दे। और बैट्समैन बहुत अच्छी बॉल है उठा खेल गए, बहुत अच्छी बॉल गई सिर्फ पवेलियन के बाहर चार रन के लिए। पहले तो बीएसएनएल चलता था, बीएसएनएल चौका कहा जाता था, लेकिन आज के डेट में जो ऑर्गेनाइजर प्रदीप कुमार के नाम से जाएगा। बहुत ही अच्छी शॉट बाबा ब्लास्टर जो कि सेमीफाइनल में अंशु मिश्रा बल्लेबाजी। और एक दर्शकों के लिए मैं बता दूं कि बिट्टू जो आउट होकर अभी वापस पवेलियन लौटे हैं 81 रनों का ताबड़तोड़ पारी इस समय अपनी टीम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पारी खेल कर गए हैं। जो पिछले सेमीफाइनल में 88 रन का नॉट आउट पारी खेले थे, एक बार फिर से फॉर्म को जारी रखा है बिट्टू। और अब नए बल्लेबाज अंशु मिश्रा, आगे की कमेंट्री अर्जुन जी। अंशु मिश्रा जो कि काफी अच्छे बैट्समैन के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या कर पाते हैं आने वाला समय ही बताएगा। मैच जो कि निशिताओं का खेल है, बैटिंग कर लिए है भाई बाहुबली, बैटिंग कर लिए है, पांच छक्का लगाए थे और आउट हो गए। और बुद्धन भैया का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ बुद्धन भैया। और पुरस्कार के दौर में एक और घोषणा आता हुआ इस समय के लिए हैट्रिक विकेट में 2100 रुपए का नगद पुरस्कार हो जाएगा डीके राजा की ओर से। गेंदबाज अगर इस ओवर में हैट्रिक विकेट लेने में कामयाब होते हैं तो डीके राजा की ओर से 2100 रुपए का नगद पुरस्कार इस समय घोषणा होता हुआ।
और एक बार फिर से विवेक के लिए बहुत बढ़िया गेंद थी ऑफ स्टंप से बाहर बल्ले को सटाती हुई गेंद गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। और जैसा कि केवल बॉलर के लिए ना रखा जाए बैट्समैन के लिए भी ऑफर दिया जाए थोड़ा कम दिया जाए लेकिन बॉलर बैट्समैन को भी दिया जाए। राइट हैंड राउंड विकेट काफी अच्छी शॉट फर्स्ट इनिंग चल रहा है टारगेट फर्स्ट इनिंग चल रहा है। एक रन का और इजाफा बाबा ब्लास्टर की टीम में। लगातार दो बॉल पर अगर दो छक्का मारते हैं ₹1,001 बाबा पांडे टेबल बाबा जो कि मेरे मित्र हैं चांस लीजिए। काफी अच्छी यहाँ पे कम से कम 1,00,000 दर्शक खचाखच भरे हुए और हम आपको एम्पायर के विषय में बता दें चंदन जी जो कि अमेरिका से आए हुए हैं काफी अच्छी एम्पायरिंग करते हुए और मनोज जी जो कि वेस्टर्न जी से आए हुए हैं काफी अच्छे दोनों एम्पायर काफी अनुभवी एम्पायर हम लोग के सीनियर हैं। फिर एक बार अगली बॉल लेकिन मिस हुए फिर से एक बार बाबा ट्रस्ट से अगर दो बॉल पे दो छक्के लगाते हैं तो ₹1,001 20,000-30,000 से दर्शक कम। और आपको बता दूं रोड पर भी खड़े पुरस्कारों की दौर में जो घोषणा कंटिन्यू आती थी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सिंह जी हमारे बीच से किसी जरूरत कामों से निकल चुके हैं और अभी भी मंच पे शोभा बढ़ा रहे हैं प्रकाश सिंह जी जो खिलाड़ियों के साथ साथ हमारे एम्पायर स्कोरर कमेंटेटर सभी को पुरस्कृत करते हैं वो अभी भी मौजूद और साथ ही साथ विकास सिंह जी इस समय जो खिलाड़ियों के लिए इनामी घोषणा कर रहे थे वो यहाँ से प्रस्थान हो चुके हैं। नहीं भाई बिट्टू मैक्सिना है गोपाल ये छपरा के राजसुधीर सिंह जी का याद है लेकिन छपरा के मिनटे में जो मशरक की धरती से चल के और एक बार फिर से बहुत ही बढ़िया शॉट खेला था वहां पे खिलाड़ी मौजूद गेंद को फील्ड किया सिग्नल लेना चाहते थे और एक बार फिर से हैट्रिक छक्के पे 21,000 का नगद राशि प्रकाश सिंह जी की ओर से आता हुआ। एक जो पुरस्कार था उसको अर्जित किया था बाहुबली सरफराज ने और यहाँ पे दूसरा 21,000 का इनामी राशि विवेक के लिए इस समय आता हुआ क्या इस और बता दे इनके पारी का शेष 12 गेंद आना बाकी 16 ओवर में 220 रन बना चुकी है। जैसा कि कॉम्पिटिशन का दौर चल रहा है जैसे छक्के पे इन्होंने रखा तो मेरे मित्र है जो की हैट्रिक विकेट तो 5,001। हाँ भाई चार बार पांडे खेल के तरफ से अगर हैट्रिक विकेट लेते हैं संभव नहीं क्या बाबा हैट्रिक विकेट संभव नहीं क्या विकेट करी हाँ 2 विकेट 2100 जो संभव है उसको करिए अगर 2 विकेट लेते हैं तो ₹2100 सामने छोटे करके खिलाड़ी और इसके अंतर्गत आउट करते हैं तो ₹500 पंकज और तरफ से और काफी अच्छी बॉल जो कि पैच पर लगी LBW तो हो नहीं रहा है लेकिन हम आपको एक बार फिर बता दें कि सारा टूर्नामेंट का भार किस पे जाता है प्रदीप कुमार जो कि काफी अच्छे समाजकर्मी हैं प्रदीप भाई इस टूर्नामेंट का सारा ऑर्गेनाइज किया है प्रदीप भाई ने इस क्षेत्र का सबसे बड़ा टूर्नामेंट कहा जाएगा लगातार लगभग 8-10 वर्षों से चलता आता हुआ। एक बार फिर राइट हैंड राउंड विकेट फेंकते हुए आयुष के लिए आयुष उठा खेल सीधा बाउंड्री लाइन के बाद काफी अच्छा शॉट और ये प्रदीप कुमार सिक्सर कहा जाएगा। गौवे सब को बहुत बहुत धन्यवाद जितने और अंशु तो मैं बता दूं कि अगर और 2 छक्के लगाते हैं तो 21,000 का नगद पुरस्कार राशि प्रकाश सिंह जी की ओर से आपको जाता हुआ। 2 छक्के लगाने में आप कामयाब हो चुके हैं इस ओवर के लिए है इस ओवर में हैट्रिक कंप्लीट करते तो 21,000 ऑफ स्टंप से बाहर गए थे खेलना चाहते थे और हल्की सी अंदरूनी किनारा के साथ गेंद गई एक टक्के के साथ फ्लिप में मौजूद उत्तम के पास तो यहाँ पे हैट्रिक से वंचित होते हुए इस समय ये पुरस्कार
और ये बाबा प्लास्टर के पारी का कुछ ही ओवर आना बाकी। और गेंद को उछाल के खेल दिया है, गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। पारी का 17वां ओवर चलता हुआ और स्क्वेयर जा पहुंचा 235 रन 5 विकेट के नुकसान पे। और एक बार फिर से गेंदबाज अंशु मिश्रा के लिए गेंद उछाला है, गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। और एक छक्का लगा रहे हैं अंशु मिश्रा को, और एक छक्का लगाएंगे तो मिश्रा को पुरस्कार मिलेगा। नहीं, और एक बॉल है अभी। सुधीर युवराज सुधीर सिंह जी का आगमन चंद मिनटों में आप लोगों के बीच, जो मसरत की धरती से चल के बलिया के ग्राउंड पे उपस्थित हो रहे हैं वो उपस्थित होंगे चंद मिनटों में। और हमारे क्षेत्र के जाने माने स्टार खिलाड़ी पप्पू महिपाल जी, ऑलराउंडर अपने जमाने के, वो इस समय क्रिकेट की पारी को विराम विराम लगाते हुए दो बॉल दो छक्का लगाए हैं, एक छक्का लगाएंगे 21,000 का पुरस्कार मिलेगा हमारे क्षेत्र के चर्चित। और ये पारी का अंतिम ओवर लेकर के और सामने बल्लेबाज ये हैट्रिक हैट्रिक के चांस पे अगर लगाते हैं तो 21,000 प्रकाश सिंह की ओर से। और यहाँ वंचित होते हुए एक बार फिर से, तो जब जब हैट्रिक और एक बार फिर से 2 रन लेना चाहते थे खिलाड़ी गेंद को फील्ड में और ओवर थ्रो के बाई के रूप में। तो इस समय के बाद ड्रिंक्स ब्रेक होगी, ड्रिंक्स ब्रेक होगी इस समय के बाद, क्योंकि युवराज सुधीर सिंह जी का आधार पारी का अंतिम ओवर रोक के रखेंगे हमारे अंपायर महोदय। पारी का अंतिम ओवर रोक के रखेंगे युवराज सुधीर सिंह जी का आगमन, जो चंद मिनटों में जो मसरत की धरती से चल के बलिया के इस ग्राउंड पे उपस्थित हुए हैं। तो अभी यहाँ ड्रिंक्स ब्रेक होता हुआ अभी अभी हमारे स्कोर अमन तिवारी बता रहे हैं कि बाबा ब्लास्टर का स्कोर 17 ओवर की समाप्ति पे 17 ओवर की समाप्ति पे 241 रन 5 विकेट के नुकसान पे। और दर्शकों से मैं बता दूं कि ग्राउंड्स के बीच कोई भी प्रवेश नहीं करेगा। जो ये ड्रिंक्स ब्रेक हुआ है ये हमारे मुख्य अतिथि युवराज सुधीर सिंह जी के आगमन के लिए ब्रेक दिया हुआ है। और दर्शक किसी तरीके से कोई भी दर्शक अपने स्थान से नहीं हटेंगे और ग्राउंड्स के बीच प्रवेश नहीं करेंगे। तो ये जो युवराज सुधीर सिंह जी का आगमन इस समय जो मसरत की धरती से चलकर हमारे बलिया के ग्राउंड पे आते हुए और स्टार क्रिकेट मैच परिवार के संचालक प्रदीप कुमार और उनके साथी सहयोगी और आज के हमारे मंच पर उपस्थित मुख्य अतिथि प्रकाश सिंह जी, चेतन बाबा, ये सभी संगीत भारती बलिया के अध्यक्ष जाए और युवराज सुधीर सिंह जी का जोरदार स्वागत करते हुए हमारे मंच तक लाए। और बैंड बैंड पार्टी बैंड नगाड़े अपने बैंड के साथ युवराज सुधीर सिंह जी के स्वागत में जाए और स्टार क्रिकेट क्लब परिवार के संचालक प्रदीप कुमार और साथ ही सहयोगी और दर्शक जो जहां है अपने जगह पे जगह से ना हिले, जो दर्शक जहां है वो अपना स्थान ग्रहण
करके रखे युवराज सुधीर सिंह जी, युवा दिलों का धड़कन, युवाओं के दिलों पे राज करने वाले जो मसरत की धरती से चलकर इस समय हमारे बलिया के ऐतिहासिक खेल मैदान पे उपस्थित होते हुए और इनके स्वागत के लिए स्टार क्रिकेट क्लब परिवार के संचालक प्रदीप कुमार और इनके साथी सहयोगी अरविंद कुमार, दीपक कुमार, भोला कुमार, जो सभी युवराज सुधीर सिंह जी के आगमन के लिए वहां पहुंचते हुए और दर्शक कर जो जहां है अपने स्थान स्थान पे खड़े रहे, जो भी दर्शक जहां अपने जगह से ना हिले, ताकि युवराज सुधीर सिंह जी का जो आगमन हो रहा है और इस समय हमारे जयपुर थाना एसआई साहब, एसआई महोदय हमारे मंच पे उपस्थित, संतोष कुमार ठाकुर जी उपस्थित होते हुए युवाओं के दिलों पर राज करने वाले जो मसरत की धरती से चल के बलिया के इसी ऐतिहासिक खेल मैदान में उपस्थित हुए हैं, उनके स्वागत में स्टार क्रिकेट क्लब परिवार उपस्थित होता हुआ फूल माले के साथ, गाजा बाजा के साथ युवराज सुधीर सिंह जी के स्वागत में बलिया के इससे ऐतिहासिक खेल मैदान से स्टार क्रिकेट क्लब परिवार के संचालक प्रदीप कुमार और उनके साथी सहयोगी और इस समय ग्राउंड वॉटर से काफी खचाखच भी और अपना स्थान से सभी युवराज सुधीर सिंह जी के स्वागत के लिए अग्रसर हो चुके हैं। तो जो भी दर्शक है ग्राउंड के बीचों बीच जगह को खाली कर दे, जो भी दर्शक है अपने अपने स्थान ग्रहण कर ले। युवराज सुधीर सिंह जी जो मथुरा की धरती से चल गए और पिच के ऊपर किसी तरीके के कोई दर्शक नहीं जाएंगे, जो भी दर्शक है वो पिच के ऊपर कोई भी नहीं जाएगा, हमारे भूमि खास करके ध्यान रखे। और यहाँ पे युवराज सुधीर सिंह जी के स्वागत में जाने वाले फूल माले के साथ स्टार क्रिकेट क्लब परिवार और इनके संचालक प्रदीप कुमार बेसब्री से जिन महानुभाव जिस मुख्य अतिथि का हमें इंतजार था वे घड़ी आती हुई और युवराज सुधीर सिंह जी जो मसरत की धरती से चल गए बलिया के इस ऐतिहासिक खेल मैदान पे आप लोगों के बीच चंद मिनटों में उपस्थित हो रहे हैं, तो जो बात तालियों के साथ इनका स्वागत और इस समय दर्शक काफी मात्रा में ग्राउंड में के चारों ओर जिधर जहां तक हमारी नजर जा रही है दर्शकों से बाबा ब्लास्टर की टीम से खेल रहे हैं भाई। बलिया कोटी का ऐतिहासिक खेल मैदान कौन है वो कुछ समय लगता हुआ हमारे मुख्य अतिथि युवराज सिंह के आगमन में और यहाँ पे हम सबों का जो उपस्थित होने का अवसर प्रदान किए हैं उसका सारा का सारा श्रेय जाता है स्टार क्रिकेट क्लब के संचालक प्रदीप कुमार और उनके साथी सहयोगी जो विगत 10-12 सालों से इस खेल मैदान पे बहुत ही भव्य टूर्नामेंट का जो आयोजन कराते हैं और उसको सफल बनाने में जो हमारे इस क्षेत्र के युवा समाज सेवी और मुख्य अतिथि पूर्व जिला परिषद एकमा भागवत के वर्षा देवी के पति प्रकाश सिंह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सिंह जी, मुन्ना साही जी और इस क्षेत्र के
जाने माने चिकित्सक श्री डॉक्टर शंकर भारती जी और तमाम इस क्षेत्र के युवा समाज सेवी और यहाँ पे मुख्य अतिथि युवराज सुनील सिंह जी का आगमन होता हुआ और दर्शकों में काफी उत्साह और युवराज सुनील सिंह जी के लिए काफी दर्शक ग्राउंड छोड़ के रेडे के तरफ दौड़ लगा दिए हैं इस समय युवराज सुनील सिंह जी के स्वागत में और बेसब्री से इंतजार जिस शख्स की थी वो घड़ी आ चुकी है और युवा भी नगर युवाओं में राज करने वाले बिहार के आनवान शाह युवराज सुधीर सिंह। 17 ओवर हुआ है भाई, एक ओवर और बचा हुआ है। 241 रन बना है 17 ओवर में। जिस शख्स की काफी बेसब्री से जो इंतजार थी वो समय आ चुका है, वो पल आ चुका है और वो शख्स भी मौजूद चंद मिनटों में आप सबों के समक्ष हम सबों के समक्ष बढ़िया कई से ऐतिहासिक खेल मैदान पे उपस्थित होने वाले हैं। बिहार के आन बान शान युवा दिलों के धड़कन युवाओं पे राज करने वाले युवराज सुधीर सिंह जिनके स्वागत के लिए गाजे गाजे फूल माला के साथ इस स्टार क्रिकेट क्लब परिवार के संचालक प्रदीप कुमार और उनके साथी सहयोगी तमाम काफी बेसब्री से इंतजार करते हुए और दर्शक जो इस समय दर्शकों में एक बहुत ही उत्साह का माहौल युवराज सुधीर सिंह जी जहां भी जाते हैं वो बहुत बड़ा नाम साथ ही क्रिकेट के साथ साथ क्रिकेट के क्षेत्र में भी और अब राजनीतिक क्षेत्र में बढ़ता हुआ कदम युवराज सुधीर सिंह बिहार के आठ बार साथ युवा दिलों के धड़कन युवराज सुधीर सिंह जी कागमर होता हुआ जो कसरत की धरती से चल के बढ़िया के ऐतिहासिक खेल मैदान पे उपस्थित होते हुए इस समय हमारे बीच युवराज सुनील सिंह जिनका गाजे बाजे के साथ फूल माला के साथ स्वागत करते हुए स्टार क्रिकेट क्लब परिवार के संचालक प्रदीप कुमार और उनके साथी सहयोगी बलिया के फाइनल मैच है और जिस शक्ति काफी बेसब्री से इंतजार की वो घड़ी आ गई बिहार के आन बान शान युवा दिनों के धड़कन युवराज सुनील सिंह जी का आगमन होता हुआ और जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करते हुए दर्शकों में काफी उत्साह दर्शकों में काफी खुशी का माहौल जिस शख्स के काफी बेसब्री से जो इंतजार थी वो है युवराज सुनील सिंह जी युवा दिनों के धड़कन बिहार के आन बान शान युवराज सिंह जी जो क्रिकेट के क्षेत्र से चल के राजनीति में उभरता हुआ नाम युवराज सुधीर सिंह जो मसरत की धरती से चल के बाबा महेंद्रनाथ की पावन नगरी बलिया के ऐतिहासिक खेल मैदान पर उपस्थित हुए हैं वो है आज के हमारे मुख्य अतिथि युवराज सुधीर सिंह जो राजधानियों के साथ स्वागत करे सभी दर्शक। बहुत भीड़ है भाई, बहुत भीड़ है, आते हैं स्टेज पर दिखाते हैं ग्राउंड के बीचों बीच वो अपने अपने स्थान ग्रहण कर ले और मंच पे जो अतिरिक्त हमारे दर्शक रहे मंच को खाली कर दे क्योंकि हमारे आज का जो फाइनल का जो हाँ भाई बाहुबली खेल है का जो आगमन होना था वो भारी आ चुकी है और बिहार के आठ बान साथ युवा दिलों के धड़कन युवराज सुनील सिंह जो क्रिकेट के
के क्षेत्र से अब राजनीतिक में पहुंचे कदम और उनका जब सबरी से इंतजार था वो इस समय मतलब की धरती से चल के हमारे बलिया के ऐतिहासिक खेल मैदान पे उपस्थित होते हुए इस समय बिहार के हाल बाजार युवराज वीर सिंह जी और उनका स्वागत के लिए विचार की चंद्र परिवार के संचालक प्रदीप कुमार और उनके तमाम साथी सहयोगी बलिया के युवा साथी उनके सम्मान में राजे राजे फूल वाले के साथ इस समय युवराज सुधीर सिंह जी का स्वागत करते हुए तालियों के साथ युवराज सुधीर सिंह जी का स्वागत करें जो मथुरा की धरती से चल के बलिया के ठिकाने से युवराज सुधीर सिंह का आगमन होता हुआ दर्शकों में काफी उत्साह का माहौल और इस समय स्टार क्रिकेटर परिवार के संचालक प्रदीप कुमार और बलिया के साथी तमाम साथी सहयोगी बलिया पंचायत के पेट सदिया संजीत भारती हेडमास्टर साहब शिव जी भारती और प्रकाश सिंह जिला परिषद वर्षा देवी के पति प्रकाश सिंह जी और छोटे बाबा इस समय युवराज सूर्य सिंह जी का हार्दिक स्वागत करते हुए और साथ ही साथ आगमन होता हुआ और दर्शक में काफी उत्साह का माहौल सरफराज खान सिक्स किंग अच्छा सरफराज भाई क्रिकेट हो और पहले गेंदा पे जब बैटिंग कर रहा था पहले गेंदा पे छक्का मार दी तो 25,000 रुपए जानते हो गुरु परिजन में कैसी बर्बादी छक्का हुआ विकेट के लिए वो 15,000 रुपए मिले हाँ भाई हम गुरु पक्ष से पहले हमारे पक्ष भी हमारे भी पक्ष भी मारे तक छक्का तो 25,000 और विकेट चली 15,000 जितना देर रहा है यही चली हम यही काफी जानने जाते युवराज सुधीर सर की तरफ से अगर फर्स्ट बॉल पर छक्का लगेगा तो 25,000 और
विकेट मिलेगा तो 15,000। और जो कि एक ओवर का मैच रोका गया था, कुछ ना कुछ बैट्समैन के हित के लिए रोका गया था, जैसे मेरे नौजवान के दिल के धड़कन सुनील सर आए हैं, इन्हीं के लिए रोका गया था कि बैट्समैन के लिए कुछ ट्राई अलाउ होगा। सबसे पहले जो भी भाई है मेरे अंदर, उनसे हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है, आप लोग ग्राउंड से बाहर हो जाए। और बलिया कोठी में मैच हो रहा है भाई, 241 रन हुआ है, 17 ओवर लास्ट ओवर चल रहा है, सुधीर सर आए थे इसकी वजह से मैच रुका था। एक ओवर का गेम और बचा हुआ है, 6 गेंद का स्ट्राइक पर है गब्बर। अगर फर्स्ट बॉल पर छक्का लगाते हैं तो सुधीर सर की तरफ से ये 25,000 का पुरस्कार मिलेगा, और विकेट लेते हैं तो 21,000 का, 15,000 का, सॉरी 15,000 का। भाई मेरा पुरस्कार याद है ना, मारो यार छक्का मारो, मेरे तरफ देख के मारो, अच्छा लगेगा। और अंतिम ओवर का रोमांच आगे का के दिखाया, कहीं ना कहीं आप लोगों को मिलने ही वाला है, हम तो भाई इसके लिए आए हैं, भाई सब बिल्कुल देख के चले जाए। मारिए छक्का मारिए, इस तरह की लास्ट ओवर है, नहीं मारिए ना तो क्या मारिए। तो इस समय जैसा कि आपने सुना कि अगर इस गेंद पर बल्लेबाज सिक्स लगाते हैं तो 25,000 रुपए का नगद इनाम मिलेगा। इसी पिचर ने गेंद उछालने का प्रयास, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपर से निकलती हुई विकेट कीपर के पास। भाई बढ़ा देगा 30,000, 30,000 अब बल्लेबाज के लिए ये रकम बढ़ते हुए 30,000 तक जा पहुंची है। बॉलर के लिए 20,000 और इस पर गेंद उछालने का प्रयास, फील्डर क्षेत्र में डिफाइनेट क्षेत्र में गेंद को जब तक फील्ड किया जाता रन नहीं लिया जाएगा। 40,000 ले भाई, 40,000 मार, भाई थोड़ा के 30,000 बॉलर के, और बॉलर को 20,000 रुपए है, बैट्समैन को 40,000, बॉलर को 20,000, बैट्समैन को 40,000 एक छक्का के लिए। और ये छक्का रन, खूबसूरत शॉट, 40,000 का पुरस्कार जीत लिया गब्बर। और अगले बॉल पे अगर छक्के लगाएंगे कि एक छक्का 10,000 विवेक 10,000 देंगे, 50,000 पूरा ले जाइए, और 10,000 रुपए फिर। और ये अगली बॉल पे राइट हैंड राउंड विकेट करता हुए इतिहास भी आ देखा, चौका हो गया, थोड़ा सा मिस लेकिन हम आपको सुधार हो देता आधा पेटी का हार हो जाए, चलो मार लो अभी, 10,000 दे दे, आधा पेटी का हकदार हो जाए भाई, मारा। और वाइट बॉल का इशारा हमारे बनवाइए तो कहीं बॉलर है बल्लेबाज, भाई 10,000 तू ले लिया, बता लो अगर तो तू मार दो भाई 10,000 ले जा, मार दो भाई ना तू बचा ला तो 10,000 का हार हो जाए। कहीं ना कहीं ले ही लगा लो जी, कबला हम सुनने से ना आता है, कोई बिंदा बचल बा फाउल, एक बार और बैठा बा माँ पे भाई हो कुछ बचल बल ले जाता हमारा पैकेट में काहे काटेंगे, हमारा पैकेट में होगा ठीक ना लगे वो लोग खा के रखेगा, गिरा वालों के काम आ जाएगा। और जैसा कि हम आपको बता रहे दोनों आदमी का 5,000 का भाई कहे के आधा पेटी का पहला ही ले लेने बने 5,000 भी हो लेना होगी, 5,000 पीयूष कहा का तरह मार दे भाई पीयूष, काम हो गई भाई, अब जान कि हमारे जो फर्स्ट इनिंग के पुरस्कार बाद हम सब लोग का सामने निकाल के दे रहे, सेकंड इनिंग के बाद सेकंड इनिंग को
पहलका ही नहीं के बाद पहलका ही नहीं है, दुसरका ही नहीं के बाद दुसरका ही नहीं है। यहाँ के ले जाए भाई पुरस्कार लोग तो राजा भाव जो भी बाबा पुरस्कार है इस समय 18 वर्ष की समाप्ति पे 256 छह विकेट के नुकसान पे 18 वर्ष की समाप्ति पे।